बिल्कुल। तो हम लोग क्रेप साइकिल पढ़ रहे थे, आई थिंक मैंने कुछ उसमें लिखवाया भी था। डिटेल में अब हमें पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है कि क्रेप साइकिल में क्या क्या हो रहा है। तो पहले हम लोगों ने ये देखा था कि एक्चुअली में एक लिंक रिएक्शन है जो कि ग्लाइकोलाइसिस को क्रेप साइकिल से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो उस लिंक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है या फिर एक सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, दैट इज एसिटाइल को एंजाइम। एंड वो कैसे हम कह रहे हैं कि एक लिंक की तरह काम कर रहा है, क्या क्या किन सब्सटेंसेस, अदर सब्सटेंसेस या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में उसका चेंज होता है, एंड फाइनल जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है क्रेप साइकिल का वो क्या होता है। तो इसी चीज को हमको पढ़ना है। तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप की बात करूँ तो लगभग इसमें भी 9 स्टेप है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप हमें पढ़ना था, इसमें 9 स्टेप है। हमको 9 स्टेप्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले एक एक करके हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही है। तो हम लिखते हैं स्टेप्स इन क्रेब्स साइकिल, स्टेप्स इन क्रेब्स साइकिल। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे एसिटाइल को ए नहीं, इसको बना सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप है, जरूरी नहीं है फ्रेश फ्रेश पेज में, जहाँ है वहीं से बनाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम। देखिए, उसमें इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ये 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा। हम लोगों ने ये देखा था कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, ये सब रिएक्ट करता है। एसिटिक एसिड बनता कैसे है, तो हम लोग याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था मैलिक एसिड या मैलेट से ही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का सिंथेसिस होता है। उसी का क्या होता है, हम कह सकते हैं रिडक्शन होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एंड क्योंकि इसमें पहला प्रोडक्ट ही हमारा क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, साइट्रिक एसिड, इसीलिए इससे हम साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, टीसीए साइकिल भी कहते हैं, प्लस को एंजाइम ए। क्योंकि यहाँ पे साइट्रिक एसिड बन रहा है तो जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा दैट इज साइट्रेट सिंथेज। साइट्रेट सिंथेज हो गया। देखिए, अब साइट्रिक एसिड के साथ क्या हो रहा है कि इसका हम कह सकते हैं कि आपने पढ़ा भी होगा, आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांसपोजिशन आपने देखा होगा। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे साइट्रिक एसिड में एक एंजाइम काम करता है, दैट इज एकोनाइटेज। अगर मैं साइट्रिक एसिड की बात करूँ, साइट्रिक एसिड, तो इसमें एक एंजाइम लगेगा एकोनाइटेज, एकोनाइटेज एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्टिवेटर विच इज आयरन आयन, या हम इसको फेरस आयन भी कह सकते हैं, एंड इट फॉर्म्स
सिस एकोनाइटिक एसिड, एकोनाइटिक एसिड विच इज ऑल्सो अ सिक्स कार्बन कंपाउंड एंड इट फर्दर चेंजेस इनटू आइसोसाइट्रेट। आपने पढ़ा होगा ग्रुप के बारे में, नाइट्रेट के, आइसोसाइट्रेट। आपने पढ़ा होगा नॉर्मल आइसोनियो, तो आइसो साइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक, फर्दर हम कह सकते हैं आइसो साइट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, आइसो साइट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा। तबीयत तो खराब ही है लड़की का, कल परसों से क्लास भी नहीं ले पा रहे थे। कल टेस्ट भी कराया था मैंने तो कुछ नहीं आया है, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है। देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आइसोसाइट्रेट इट कंबाइंस विथ अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर NAD+, एंड इसमें से हाइड्रोजन हटेगा एंड इट फॉर्म्स ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड। ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड, देखिए सिंपल सा चीज है, इसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं वैसा। ठीक है, वैसा कुछ जानने का जरूरत आपको नहीं है कि आप इसको स्ट्रक्चर अब बैठ के रट रहे हो नेट से कुछ कुछ कि क्या किसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल आपको कुछ कुछ मेन चीजों को ध्यान में रखना है, और ना ही इसको बैठ के रटने की जरूरत है कि पूरा हम क्रेब साइकिल रट रहे, क्योंकि ये ऐसा चीज है कि आप जितना रटोगे उतना भूलोगे। सिर्फ पढ़ लेना है, इस पे जो क्वेश्चंस होंगे ना मैं बनवाऊंगा अभी, वो जब सॉल्व कर लोगे तो उससे ज्यादा का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आपसे हो ही ना कि बोला जाएगा कि पूरा सुनाओ एक एक रिएक्शन एग्जाम में। आइसोसाइट्रिक डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, आइसोसाइट्रिक डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। देखिए इसके बाद से ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड बन गया। ये ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड जो है हम कह सकते हैं इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कह सकते हैं इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा एंड इट चेंजेस इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है दैट इज ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड जो बना था, ऑक्सैलो ऑक्सैलो सक्सेनिक
सक्सेनिक सक्सेनिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड। चेंजेस टू, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेशन कहने का मतलब है कि जो हम कह सकते हैं CO2 हटता है, CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है। जैसे मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, लेकिन हम लोग रिएजेंट्स यूज करते हैं, जैसे मान लो जिसमें COO ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसको डी कार्बोक्सिलेज इंजाइम हम यूज करेंगे, तो ये CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ये ग्रुप जिसमें जो जो इस ये ग्रुप किसमें प्रेजेंट होगा, ये एसिड में प्रेजेंट हो सकता है, ये ग्रुप ईस्टर में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, ये ग्रुप एमाइड में प्रेजेंट हो सकता है, एमाइड नहीं CONH, ये ग्रुप आपका हम कह सकते हैं एनहाइड्राइड में प्रेजेंट हो सकता है, तो ये सब चीजों में प्रेजेंट होता है, तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम हम यूज करेंगे, तो CO2 के फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है कि आप देखो, ये मैंगनीज के प्रेजेंस में अल्फा कीटो ग्लूटारेट में चेंज हो जाता है, कीटो कीटो ग्लूटारेट, ठीक है, ग्लूटारेट। प्लस CO2, देखिए यहाँ पे CO2 के रूप में वो क्या हो गया, बाहर चला गया। अब क्योंकि ये 6 कार्बन का था, एक कार्बन इसमें से निकल गया, दैट मीन्स ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। नेक्स्ट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, थोड़ी राइटिंग खराब आ रही है, हाथ नहीं चल रहा। ग्लूटारेट है, GLUTARAT, ग्लूटारेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, किसी में एट लगा हुआ है या एक एसिड है, ठीक है, दोनों यहाँ पे एक ही चीज होता है, इसको अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड भी कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, हम कहते हैं पाइरुवेट भी कहते हैं या पाइरुविक एसिड भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि कहीं पे एट लिख दे रहे, कहीं पे एक एसिड लिख रहे हैं, तो दोनों एक ही चीज होता है। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट इट चेंजेस इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, एंड फिर फर्दर यहां पे क्या हो गया, दो चीज हुई, एक डीहाइड्रोजिनेज यहां काम करेगा, डीहाइड्रोजिनेज, और यहां पे हम कह सकते हैं कि आपका पाइरुवेट या फिर डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है, जो कि हम लोग देखे थे लिंक रिएक्शन के तरह। लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा था, पाइरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल को एंजाइम में चेंज हो रहा था, और उसमें से CO2, याद देखिएगा ऊपर जहां हम लोग लिखे थे वहां क्या था, पाइरुविक एसिड था, ये 5 कार्बन का है, और आप देखिए कि वो एसिटाइल को एंजाइम में चेंज हो रहा था, ठीक है, वहां पे 3 कार्बन का पाइरुविक एसिड था जो 2 कार्बन के एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज होता है और CO2 उसमें से निकलता है। तो डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स में हम बात कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें आएंगी, तो वहां पे हम देखे थे कि वहां पे जस्ट लाइक वैसा ही हो रहा है यहाँ पे भी,
क्या क्या चीजें उसमें थी याद करो। मैंने बताया था मैग्नीशियम आयन था, लाइपोइक एसिड था, टीपीपी यानी कि थायमीन पाइरोफॉस्फेट, एनएडी, कोएंजाइम ए, ये सारी चीजें लग रही थी। तो ये भी यहाँ पे एनएडी जो है इसमें से क्या हटाएगा, हाइड्रोजन हटाएगा और एक्सेप्ट करेगा NADH2 में, एंड इट चेंजेस इनटू सक्सिनाइल को ए प्लस CO2। यहाँ CO2 बाहर हो गया। तो देखो फिर इसमें पांच कार्बन का था, एक कार्बन हट गया, इन द फॉर्म ऑफ CO2 इट बिकम्स 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये सारी ये वाला वही चीज हो रहा है जो लिंक रिएक्शन जैसा था। ठीक है, ये जो रिएक्शन है हम लिख सकते हैं सिमिलर टू लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन हम लोग बोल किसको रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में लिंक रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, सिक्स नंबर रिएक्शन इज, अब क्या हो रहा है कि सक्सिनाइल को इंजाइम जो ए है इसमें थायोकाइनेस के प्रेजेंस में, इसमें से हम कह सकते हैं कि एनर्जी निकलता है एक तरीके से, और को इंजाइम ए वाला जो पार्ट है वो अलग हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करेगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी निकलेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये है सक्सिनाइल को इंजाइम ए, दिस इज अ 4 कार्बन, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायो वर्ड हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए, कौन सा ग्रुप होता है थायो, THIO पढ़े हो? सर, हाँ बोलिए। पांच ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट के नीचे क्या है कार्बन सर? इसके बगल में? CO2। अच्छा, यस सर। ये वाला बोल रहे, ये बोले कि एट रहे चाहे ईक एसिड रहे, दोनों एक ही चीज है, इसको लिखना नहीं है। ठीक है, ओके सर। ग्लूटारेट या ग्लूटारिक एसिड दोनों एक ही चीज है। हाँ देखिए, थायो आप बताए नहीं, थायो ग्रुप किसको कहते हैं हम लोग? थायो ग्रुप कहते हैं SH को, आप पढ़ोगे या पढ़े होगे ऑर्गेनिक में, थायो ग्रुप SH को कहते हैं हम लोग। तो थायोकाइनेस के प्रेजेंस में सक्सिनिक एसिड में चेंज हो जाता है, सक्सिनिक एसिड में चेंज हो जाएगा, एंड कोएंजाइम ए जो है ये अलग हो जाता है। एंड इन दिस रिएक्शन GTP और गोनोनी गोनी ट्राइफॉस्फेट इज फॉर्म, GTP फॉर्म करता है। हो गया, ऊपर का मिटा रहे। देखिए नेक्स्ट है सेवेंथ स्टेप, देखिए सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड
इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज डिहाइड्रोजिनेज एंड यहां पे क्या है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड FAD. इसमें से भी देखो इसमें डिहाइड्रोजिनेज कहने का मतलब क्या होता है डिहाइड्रोजिनेट करना मतलब ऑक्सीडेशन करना समझना एक तरीके से ठीक है तो FAD जो है ये हाइड्रोजन इसमें से निकालेगा एंड देखो ये हाइड्रोजन निकाल रहा है लेकिन एक्सेप्टर भी तो होना चाहिए ना तो FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा अब हम लोग पढ़ेंगे बताएंगे भी एक्चुअली में टोटल जब ETS देखेंगे तो देखेंगे कि उसमें ATP बनना FADH2 और NADH2 ठीक है इन सारे चीजों में क्या होता है एक्चुअली सिंपल समझना कि एक ATP है एक मॉलिक्यूल FADH2 जब टूटता है वो इक्वेलेंट होता है दो ATP की ठीक है और एक मॉलिक्यूल NADH2 जो होता है वो तीन ATP के बराबर होता है ठीक है तो सिंपल समझो कि ATP तो बनेगा ही ATP डायरेक्टली 38-36 ATP नहीं बनता है बनता है FADH2 के भी फॉर्म में निकलता है साथ ही साथ NADH2 के भी फॉर्म में निकलता है ठीक है जो एनर्जी रिच कंपाउंड हम कह रहे हैं तो FADH2 दो ATP के बराबर है NADH2 तीन ATP के बराबर और ATP तो ATP है ही तो इट चेंजेस इनटू फ्यूमैरिक एसिड क्या साक्षी FAD FAD को बोलते हैं हम लोग फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ये पढ़ना था इन सारे कंपाउंड्स के बारे में नेक्स्ट देखिए और ये क्या हो जाएगा H2 लग गया तो H2 बाद में नहीं लिखते फिर इसको हम लोग रिड्यूस फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे रिड्यूस हो जाएगा वो वाला ये वाला रिड्यूस फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे फिर अब देखिए फ्यूमैरिक एसिड फर्दर चेंजेस इनटू मैलिक एसिड इट इज ऑल्सो अ फोर कार्बन कंपाउंड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेज एंजाइम it changes into malic acid. It is four carbon compound.
गया। देखो मैलिक एसिड फर्दर ऑक्जालो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा, और ऑक्जालो एसिटिक एसिड ही हम लोग याद करो कि स्टार्टिंग जो पॉइंट था हमारा, दैट इज ऑक्जालो एसिटिक एसिड ही कंबाइन करता है एसिटाइल को एंजाइम से। तो इन सारे चीजों में मिला क्या क्या हमको, एक्चुअली इन सारे चीजों में हमको FADH2 मिला। इन सारे चीजों में हमको देखो यहाँ पे FADH2 मिला, और इसके बाद से लास्ट स्टेप हम लोग देखेंगे जिसमें NADH2 मिलेगा। ये सब क्या है, एनर्जी रिच कंपाउंड है। तो लास्ट स्टेप हम लिखेंगे दैट इज मैलिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंड इन द प्रेजेंस ऑफ NAD इट चेंजेस इनटू NADH2 एंड इट चेंजेस इनटू इट फॉर्म्स ऑक्सालो एसिटिक एसिड। यही क्या है, एक्सेप्टर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है, एक्सेप्टर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये बन रहा, तो यहां तक बन गया। अब देखो इसमें हमको मिला है NADH2, FADH2, इन सारे मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस या फिर हम कह सकते हैं फॉर्मेशन हुआ है। हो गया, देखिए अगर मैं एम्फीबॉलिज्म ऑफ क्रेब साइकिल की बात करूं, एम्फीबॉलिज्म हम बताए थे कि वैसा प्रोसेस जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों ही इन्वॉल्व होता है। ऑफ क्रेब साइकिल की मैं बात करूं तो क्या क्या चीजें होंगी, क्या होंगी इसमें, क्या क्या चीजें हमको मिल रहा है, वो फर्दर क्या चीज उसका एनाबोलिक पाथवे क्या है। सबसे पहला है मेरे पास एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम ए इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड बनाएगा, फैटी एसिड एंड अगर हम प्लांट की बात करें तो उसमें जीए का फॉर्मेशन करता है, जीए इज जिबरेलिक एसिड।
जिबरेलिक एसिड, एंड जिबरेलिक एसिड हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में, जिसको जिबरेलिन्स हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट वन इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये एक्चुअली इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ, हम कह सकते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का सिंथेसिस याद करो, जिस समय मैंने फोटोसिंथेसिस बताया था, तो उस समय क्लोरोफिल का प्रिकर्सर हम कह रहे थे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। फिर ये मेनली सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है वो लाइट रिलेटेड कंपाउंड्स का सिंथेसिस करता है। साइटोक्रोम्स हो गए, फाइटोक्रोम्स हो गए, साइटो क्रोम, फाइटो क्रोम सर फैटी एसिड के बाद क्या लिखे हैं? एंड जी ए, जी ए है। नेक्स्ट वन ऑक्जैलो एसिटिक एसिड एंड कीटो ग्लूटारिक एसिड, कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है ये मेनली यूज होता है, याद करो मैंने बताया भी था, एमिनो एसिड का सिंथेसिस होता है, शायद बताया था, सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड मतलब ये प्रोटीन बनाने के काम आ रहा है। और पहला एमिनो एसिड कौन बनता है, पहला एमिनो एसिड कौन बनता है, ग्लाइसिन। नहीं बताए थे, याद करो जब मैंने फोटो रिस्पायरेशन बताया था तो उसमें बताया था पहला एमिनो एसिड कीटो ग्लूटारिक एसिड से ही बनता है, जो ग्लाइसिन। फिर वो याद करो बोले थे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके पर सेरीन में चेंज हो जाता है। हाँ एंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इंडिविजुअली अल्कलॉइड्स का भी सिंथेसिस करते हैं। अल्कलॉइड्स, अल्कलॉइड्स हम लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में होता है, जैसे कि नॉर्मली समझो कि एक प्लांट है जिसे हम लोग कोका अल्कलॉइड निकालते हैं, इसका कोकेन हो गया, एक हम कह रहे हैं नारकोटिक ड्रग है, तो वैसा ही टाइप का अल्कलॉइड्स वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं मेनली। तो ये हमारा क्रेब साइकिल हो गया। लास्ट में पढ़ना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या इसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ हमको पढ़ना है कि यहाँ पे ईटीएस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इससे पहले हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में देखा था, वहां पे वर्ड हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीडेटिव फोटो फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे तो फोटो लाइट के प्रेजेंस में नहीं ना हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल हम यूज करते हैं वर्ड फॉस्फोराइलेशन। हो गया, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है जो फोर्थ है हमारा,
हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन में पहला क्या पढ़े, ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा हमारा था एसिटाइल को इंजाइम का सिंथेसिस लिंक रिएक्शन, तीसरा क्रेब साइकिल, एंड चौथा हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो हेडिंग डालना फोर्थ ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब देखिए एक्चुअली में ETS है क्या, तो डायरेक्टली एनर्जी स्टोर्ड जो है NADH2 और FADH2 में, सिंपल ऐसा नहीं कि वो मॉलिक्यूल ही कन्वर्ट हो जा रहा है ATP में, एक्चुअली वो टूट के एनर्जी रिलीज करता है जो फर्दर ATP बनाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया कि वो इक्विवेलेंट है किसके, FADH2 दो ATP के इक्विवेलेंट होता है और NADH2 तीन ATP के इक्विवेलेंट होता है, मतलब जब टूटता है तो तीन ATP उससे फॉर्म करते हैं, उतने एनर्जी निकालते हैं। तो एक्चुअली में ETS है क्या, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट कि इट इज एक्चुअली एसोसिएटेड, इट इज एक्चुअली एसोसिएटेड विथ रिलीज एंड With release and utilization of energy and utilization of energy, utilization of energy stored in Stored in FADH2 and NADH2. अब ये टूटेगा वापस FAD और NAD में और हाइड्रोजन इससे निकलेगा, तो लास्टली जो फाइनल ऑक्सीजन ही यहाँ पे एक्ट करता है, ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अब देखो हम सोचते हैं कि ऑक्सीजन हम ले रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में और CO2 क्या हो रहा है छोड़ रहे, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। पहले देखो, पहले हम CO2 निकल चुका था, इससे पहले वाला स्टेप देखो, तो जहाँ पे फॉर्म किया था आपका लिंक रिएक्शन एसिटाइल को एंजाइम, वहीं पे क्या हो रहा था, CO2 का रिलीज हो रहा था। एंड फर्दर हम देखे जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है तब भी CO2 निकल रहा है। तो देखो CO2 पहले निकलता है और यहाँ पे हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है जो चाहिए होता है। तो पहले CO2 बनता है, तब क्या होता है कि ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है, जो कि हम मानते हैं कि जनरली हमारा प्रिजम्पशन क्या रहता है कि ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, अब ये ETS वाला प्रोसेस कहाँ हो रहा है, तो हम जानते हैं ETS वाला प्रोसेस इनर मेम्ब्रेन पे, क्रिस्टी पे होता है या क्रिस्टा पे होता है हम कहते हैं, तो उसमें फाइव कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ETS इज सॉरी इज नहीं, ETS कंसिस्ट ऑफ फाइव फाइव कॉम्प्लेक्सेस
लोकेटेड ऑन, लोकेटेड ऑन इनर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। हो गया, क्लियर कर देना सब। देखिए, अगर हम कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं तो वो कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस है, तो एक टेबल के फॉर्म में हम लिख लेंगे, क्योंकि ये जरूरी होता है, ये इम्पोर्टेंट है याद करना, ठीक है। नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये एनसीईआरटी में भी आपका जो पहले का एनसीईआरटी था उसमें ये कॉम्प्लेक्सेस को मेंशन नहीं किया गया था फिगर में, लेकिन न्यू एनसीईआरटी के फिगर में ही ये कॉम्प्लेक्सेस मेंशनड है। आप के पास अगर पुरानी वाली एनसीईआरटी है या अपडेटेड वर्जन नहीं है आपके पास, तो आप देख सकते हो एनसीईआरटी ऐप से नई वाली एनसीईआरटी को, उसमें फिगर में ही सारे चीजों को मेंशन कर दिया गया है। कंपोनेंट्स ऑफ ईटीएस एंड लास्ट ये पार्ट है, दैट इज इनहिबिटर, इनहिबिटर। देखो, सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स वन की हम बात कर रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स वन है क्या? तो एक्चुअली इट इज एफ एम एन एंड NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स को याद कर लेना है कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता क्या है, तो FMN एंड NADH2 डिहाइड्रोजिनेज होता है, ठीक है। अगर मैं इनहिबिटर्स की बात करूं, तो इनहिबिटर्स मतलब कि ये अगर प्रेजेंट होगा तो ये जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है वहाँ इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिंपल सा चीज समझना कि वहीं पर प्रोसेस रुक जाएगा। एंड दीज इनहिबिटर्स आर रोटेन ऑन एंड एमाइटल, रोटेनॉन एंड एमाइटल। ठीक है, रोटेनॉन एंड एमाइटल। देखिए, रोटेनॉन एंड एमाइटल एक्चुअली में है क्या? तो रोटेनॉन एक हम कह सकते हैं
आपका इंसेक्टिसाइड है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड के रूप में हम यूज करते हैं, एंड एमाइटल एक बार्बिट्यूरिक एसिड है। बार्बिट्यूरिक एसिड हम लोग कहते हैं बार्बिट्यूरेट्स को, एंड बार्बिट्यूरेट्स हम लोग यूज करते हैं सेडेटिव के रूप में, मतलब पेन किलर के रूप में। एंड इसका एक बैड इफेक्ट होता है, दैट इज इट क्रिएट्स हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन का मतलब होता है कि भ्रम क्रिएट करता है, फीलिंग ऑफ हम कह सकते हैं कि इंसान अपने ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाने लगेगा, तो उसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स सेकंड, दैट इज Fe-DH2 डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज और सक्सिनिक या सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज हम कह सकते हैं। सक्सिनेट इसी को कह रहे हैं डीहाइड्रोजिनेज। इसमें कोई इनहिबिटर हमको नहीं है कॉम्प्लेक्स सेकंड में। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स थर्ड, ठीक है, ये साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम C1, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है हमारा। एंड देयर इज एन एंटीबायोटिक नोन एज एंटीमाइसिन व्हिच इज द इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स थर्ड। कॉम्प्लेक्स फोर्थ इज साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, एंड दो उसमें कॉपर सेंटर होता है, Cu सेंटर्स। जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। ये दो है, ये एंड है, दोनों एक ही जैसा लग रहा है। सर साइटो ए और साइटो ए सी है क्या है सर वो A3 है, थ्री A1 नहीं है, ये कॉमा है। एंड टू कॉपर सेंटर, एंड इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड जो है ये इनहिबिटर का काम करता है। लास्टली है कॉम्प्लेक्स फाइव, जो कि एटीपेज होता है। एटीपेज या इसी को हम एटीपी सिंथेज भी कहते हैं, एटीपी सिंथेज भी कहते हैं। या
एक मिनट रुकिएगा। दो मिनट समय दीजिएगा क्वेश्चन टाइप का। नहीं, कॉम्प्लेक्स 5 में कोई इनहिबिटर नहीं था।